खालिस्तान समर्थकों के धमकी भरे वीडियो मामले में केंद्र से जांच की मांग कर सकती है पंजाब सरकार। डीजीपी सुरेश अरोड़ा ने भी मामले का लिया संज्ञान। वीडियो में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और सांसद रवनीत बिट्टू को दी गई धमकी। खालिस्तान समर्थकों के धमकी भरे वीडियो प्रकरण पर एकजुट हुई पंजाब की सियासी पार्टियां। सरकार ने कहा डटकर करेंगे मुकाबला, तो विपक्ष ने भी की निंदा। पंजाब सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को रफ्तार देने के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि को दी मंजूरी। ग्रामीण विकास मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने कहा पैसों के इस्तेमाल में बरती जाएगी पूरी पारदर्शिता। आज हांगकांग दौरे से देश लौटेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। चाइना लाइट एंड पावर कंपनी झज्जर में 500 करोड़ रुपए की अक्षय ऊर्जा परियोजना में करेगी निवेश। रक्षा मंत्री अरुण जेटली का बड़ा बयान, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों और आतंकियों से जूझते वक्त किसी भी हालात को लेकर सेना का होगा आखिरी फैसला, किसी नेता का नहीं हो सकता दखल। जम्मू पुंछ हाईवे से लगते कई इलाके के जंगलों में लगी भीषण आग, देर रात से जारी है आग पर काबू पाने की कोशिशें। जम्मू के सबसे बड़े अस्पताल जम्मू मेडिकल कॉलेज में लगी आग, मरीजों की मची अफरा तफरी, मोबाइल की लाइट के सहारे किसी तरह बचा पाए अपनी जान। सिखों के तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब और भगवान लक्ष्मण के लोकपाल मंदिर के आज सुबह 9 बजे खुलेंगे कपाट। गुरु घर में पहली अरदास करेगा 5 प्यारों की अगुवाई में पहुंचा पहला जत्था। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लंदन रवाना हुई टीम इंडिया, 4 जून को पाकिस्तान से होगा पहला मुकाबला। रवाना होने से पहले सचिन की फिल्म के प्रीमियर में पहुंची टीम इंडिया, विराट धोनी समेत कई खिलाड़ी आए नजर।